हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी, ये सेमेस्टर सेकंड है, ठीक है, मैथ एंड टेक्नोलॉजी इन द सोशल रिसर्च। देखिए दोस्तों, ये जो सेमेस्टर था थर्ड का था, लेकिन मुझे ये जो अब चेंज होके जो हो गया है सेकेंड सेमेस्टर के लिए हो गया है, ठीक है, मैथ एंड टेक्नोलॉजी इन द सोशल रिसर्च। इसका कोर्स जो है SOCR 439 यानी 439, ठीक है। इसमें जो हम करेंगे तुलनात्मक यानी खोज विधि यानी कंपैरेटिव रिसर्च मेथड, ये जो है एमए क्लास के लिए है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है इन बच्चों के लिए बनाया जाता है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जिनके जिन्होंने कहा है कि बना दीजिए, इसके लिए मैंने इस पर अग्रसर हुआ है। और इसमें हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ समझेंगे टॉपिक में, ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों ने मुझे कमेंट किया है, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है, उनके लिए मुझे करना मेरा फर्ज बन जाता है, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल भी, कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लाइक कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश भी करूंगा, जो आप देख भी सकते हो। साथ में जो है दूसरे बच्चों को शेयर करोगे तो मेरा जो मकसद है वो पूरा होगा, क्योंकि मेरा विचार है वो बच्चे जो बड़े बड़े मैग्नेटिक्स नहीं पढ़ सकते हैं और जिनको जरूरत होती है ऐसी वीडियो की, अगर आप उनको शेयर करके देते हो तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। और जितना अधिक कॉमेंट मेरे पास आएगा, जितना बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, मुझे बोलें बताएंगे, तो उतना अधिक मैं आप लोगों के लिए अग्रसर रहूंगा। अगर आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो मैं भी आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं ना, एक हाथ ताली कभी नहीं बजती है। तो आप मुझे प्रोत्साहित कीजिए तो आप फिर मैं आपके लिए तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा, और हो सकता है कि आने वाला समय में आपको मैं अच्छे से क्वेश्चन पे भी डिस्कस करूं। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, क्योंकि आपको शायद लगता होगा सिर्फ एमएम की क्लास के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 8th, 9th, 10th, 11th, 12th CBSE के सभी चैप्टरों को कवर कर रहा है, साथ में जो है NIS बोर्ड के 10+2 को भी कवर कर रहा है, प्लस BA फर्स्ट सेमेस्टर से लेके जो है 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर कर रहा है। तो इतना विस्तृत होने के पश्चात भी आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप मुझे समझ में रहेगा कि आप उन वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ रहते हैं, ग्रुप में हैं, उनको भी इस वीडियो को जो है लाभान्वित होने दीजिए और आप भी होइए। चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर में आज क्या है। इसमें जो है आप ये समझ सकते हो तुलनात्मक खोज विधि। दोस्तों यहाँ पर आपने बहुत से ऐसे मेथड के बारे में समझना है और जानोगे, जिसमें हम तुलनात्मक करते हैं सभी से, हम क्या करते हैं उनके इतिहास को समझते हैं और इतिहास को समझने के बाद उनके बारे में समझते हैं। यहाँ पर जो है आपने तुलना करना है दुर्खिन का, रेडक्लिफ ब्राउन्स का और ईएल फ्रेमेंस का और मैक्स बेबर का। देखिए दोस्तों, क्योंकि एमए क्लास है तो इसमें जो है आपको रिसर्च की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है और खोज करने की जरूरत होती है। कहते हैं तुलनात्मक विधि का वह अर्थ और परिभाषा प्राचीन घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करके हम नवीन घटनाओं की समीक्षा या परीक्षा कर सकते हैं। तुलनात्मक का मतलब यही होता है कि पुरातन समय से अगर आज के समय की तुलना कीजिएगा तो उससे हमें एक नई बातों का पता लगता है, नई बातों की समझ आती है, ठीक है, क्योंकि पुराने में जो घटना घटती है और जो उसका उपचार होता है, नए में भी उसी तरह के हम सोचते एवं विचार करते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस में लगाई गई थी लॉकडाउन की, वो व्यवस्था आज का नहीं था, ठीक है। आप सोचते होइएगा कि कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन लगाई गई थी, क्योंकि लॉकडाउन शब्द आपने पहली बार सुने होंगे, लेकिन लॉकडाउन की जो मेथड थी आज की नहीं है। कहते हैं पुराने समय में भी ऐसा होता था कि जब हैजा फैलती थी या कोई बीमारी फैलता था तो सारे गांव वालों को जो है बाहर निकलने की पाबंदी होती थी। उसमें जिस क्षेत्र में हैजा फैलता था वहाँ से एक व्यक्ति को भी निकलने की परमिशन नहीं होती थी। इससे क्या होता था, पूरे दूसरे राज्य के जो व्यक्ति होते, दूसरे समाज के जो व्यक्ति होते थे, वो बच जाते थे। तो ये एक मेथड होती है जो हम पुराने समय से
लेते हैं और नए समय में इसको अप्लाई करते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब कोई राक्षस होता था या कुछ भी होता था, मारने की जो पद्धति होती थी, तो कभी अगर उत्पन्न हो जाता था तो हम यही सोचते कि पुराने समय में उसको कैसे मारा गया था, उन बातों पे हम रिसर्च करते थे और उसके बाद उसके मारने का हम तकनीक ढूंढते थे। सेम ऐसा ही आपको यहाँ रिसर्च करने की आवश्यकता है। आपको पता है कि तुलनात्मक विधि का अर्थ ही यही होता है कि अधीन सामग्री के आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय हमारा है, ये या वर्तमान समस्याओं का हल करने में वो सामग्री लागू हो सकती है। जो पुरानी सामग्री थी उसको हम लागू यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों परिस्थिति की तुलना करने के बाद ही अपनी आधुनिक परिस्थिति संबंधी विचार बना सकते हैं। दो घटनाओं की तुलना करने से ही हम अपनी वर्तमान घटना का पता लगा सकते हैं। इन तुलनात्मक विधि का प्रयोग करने वाला सबसे पहला विद्वान जो था दुर्नीम थी, उसने कहा था कि काम कारण संबंधी स्थापित करने का एक मात्र ढंग यह है कि हम जानकारी प्राप्त करें कि हम यह यकीन कर सकते हैं कि एक घटना दूसरे घटना पर जोड़ी तौर पर निर्भर है। रेडविल क्लब बाउंड के अनुसार यह बात साफ हो गया था कि तुलनात्मक विधि उस कल्पना की जो है खिलाई का एक ढंग है। तुलनात्मक विधि में अलग अलग समुदाय वर्ग के रीति रिवाज संबंधी सबसे पहले अलग अलग ध्यान किया जाता है और फिर उन पर पाए जाने वाले साझे तत्वों को छोड़कर उनके आधार पर साझे परिणाम निकाले भी जाते हैं। यानी मैंने जो आपको समझाने की कोशिश किया था वो बात यहाँ पर लागू होती है, क्योंकि कभी भी पुराने समय की जो विचारधारा होती है और न्यू जो विचारधारा होती है, दोनों को आपको तुलना करने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, ये लागू सिर्फ यहाँ सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी में नहीं होता है, आप अपने जीवन में भी ऐसे लागू करना पड़ेगा। कुछ रूल रेगुलेशन जो होते हैं आपके माता पिता के पसंद नहीं आते हैं और कुछ आप नया उसमें जोड़ना चाहते हो, तो नया जोड़ना अच्छी बात है, बट पुराने को भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। यही बात यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। कहते हैं तुलनात्मक विधि के अलग अलग विचारकों के अपने अपने विचारधारा है। देखिए विचारधारा सभी की अलग होती है, विचारधारा कभी भी एक जैसा नहीं होता है। तो इसमें दुर्खिम ने इसमें क्या अपना विचारधारा प्रस्तुत किया था ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दुर्खिम ने साफ शब्दों में ये बात कहा था कि तुलनात्मक विधि के प्रयोग का श्रेय फ्रांस के विचारक इमाइल दुर्खिम को जाता है। उसने पूर्व इतिहास तथ्यों और वर्तमान तथ्यों को तुलना करने के नवीन सिद्धांतों को जन्म दिया। यानी कहते हैं आज नया सिद्धांत पैदा हो गया है जिसमें हम एक दूसरे को तुलना कर सकते हैं। दुर्खिम का विचार है कि प्रयोग द्वारा हम काम और कारण का संबंध समाजशास्त्र में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुलनात्मक ही हमारी इस काम में मदद कर सकती है। वास्तव में समाजशास्त्र के दौरान कार्य और कारण का संबंध तुलनात्मक विधि द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद था हमारा दूसरा साइंटिस्ट रेडक्लिफ ब्राउन ने तुलनात्मक विधि को ही अकेला महत्व नहीं बताते हैं। उनका इस संबंध स्पष्ट विचार है कि तुलनात्मक विधि अकेले आपको कुछ नहीं देगी, जब तक बीज नहीं बोएंगे कुछ नहीं उगेगा। तुलनात्मक विधि अकल्पना की जांच करने का ढंग है। देखिए इनका भी विचार कुछ हद तक अपना जगह पर सही था कि जब तक आप बोइएगा नहीं तब तक पता कैसे लगेगा कि आप आखिर आपने जो किया है, जो आपने रूल रेगुलेशन अपनाया है, वो किस हद तक सार्थक सिद्ध होता है। उसके पश्चात हमारा सेकेंड था यानी थर्ड था E.L. Frohman। कहते हैं तुलनात्मक विधि की एक साधारण विधि के रूप में गिनती की जाती है। इस विधि द्वारा जो हुए वर्तमान समाजों की अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से तुलना करना और अलग अलग परिणामों में पहुंचे जा सकता है। देखिए दोस्तों, इन्होंने ये बात साफ शब्दों में सही भी कहा है और कहीं हद तक सही भी है कि अगर हमें कुछ अलग करके दिखाना है तो हमें पुराने चीज़ों का ही अध्ययन करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि इसमें उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखने की जरूरत है। आपको पता है कि जो चीन था उसने कई दशक तक अपने आप को पूरा विश्व से अलग रखा और अपने ही घर में उसने बहुत तरक्की की, बहुत प्रगति किया। फिर जाके जब उसका सामान जब उसके हद से अधिक कर लिया तो उसने क्या किया जो है व्यापार के दरवाजा खोल दिया और दूसरे देश के साथ व्यापार भी किया गया। इसलिए आपने शायद पढ़ा भी होगा, अगर कभी देखा होगा तो जो इनका प्रतीक है साइकिल के दो पहिए हैं, यानी उसमें साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों लेके चला था। तो कहते हैं ऐसे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय परिघटनाओं को हम जो है समक्ष रख के हम अपने रूल रेगुलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार को भी इन बातों पर ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि
इसमें एक बात सही कही गई है कि वर्तमान समाजों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से तुलना करना अलग अलग परिणामों पहुंचे जा सकते हैं। मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समाज है, उसमें सब कहते हैं ना समाज सिर्फ आपके पास ही नहीं है, समाज इस संसार में हर जगह है, चाहे वो जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, चाहे किसी प्रकार के भी हो, चाहे राक्षस हो या रावण, किसी तरह के हो, सब में अपनी अपनी समाज पाई जाती है, सिर्फ उनका रूल रेगुलेशन उन्होंने खुद एवं स्वयं बना रखा होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को भी हम तुलना करके देखते हैं, तभी जाके जो है हम वास्तविकता की कसौटी पे पहुंच पाते हैं। उसके बाद इसमें बोला गया था मैक्स वेबर की जो है बात है। मैक्स वेबर ने अपनी तुलनात्मक विधि में एक नवीन विचारधारा का प्रयोग किया था, उसमें अलग अलग समाजों में पाई जाने वाली ठोस विशेषताओं का पता लगाया और उसमें यह पता लगाया कि अलग अलग समाजों में कुछ समानताएं होते हुए उनमें कुछ भिन्नताएं जरूर होती है। इस प्रकार मैक्स वेबर ने कुछ आदर्श दस्तावेजों का पता लगाया जिसके द्वारा हम कुछ सामाजिक संस्थाओं की विशेषताओं की व्याख्या कर सकते हैं। कहते हैं अलग अलग सामाजिक संस्थाओं और समुदाय की तुलना करके हम उनमें पाई जाने वाली समानताओं में कुछ खास विभिन्नता का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड और जर्मनी दोनों ही देशों में नौकरशाही में विशेष अंतर भी दिखाई देता है। इस प्रकार मैक्स वेबर ने बहुत सारे कारकों में भी किसी एक कारक को वापस करने का यत्न नहीं किया, बल्कि उनके अलग अलग समाजों में पाई जाने वाली कुछ विशेषताओं का पता लगाया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने जो उदाहरण दिया है इंग्लैंड और जर्मनी, कहते हैं दोनों देश में नौकरशाही विशेष अंतर भी दिखाई देता है। वहाँ पर नौकरशाही है और नौकरशाही के जो रूल रेगुलेशन होती है उसके जो है डिफरेंट पहलू होते हैं। तो ये सब बातें जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और अपने समाज को विकास करने के लिए ये जो है बातें महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। कहते हैं इसमें सिर्फ इतने ही थिकनर नहीं थे, और भी जो फिलोसफर थे वो थे। कहते हैं अन्य विद्वानों ने भी इस पे दिया था, जिसमें फ्रेजर टायर, एस एफ नैलैंड आदि विद्वानों ने भी तुलनात्मक विधि का प्रयोग करके कुछ नए सिद्धांत का जन्म दिया था। देखिए जब तक हम किसी चीज़ों को तुलना नहीं करेंगे ना, तो उनमें से बेहतर को जान पाना शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि जब हम एक दूसरे में तुलनाएं करते हैं तब हमें जाके पता लगता है कि कौन जो है सर्वश्रेष्ठ है और कौन से रूल रेगुलेशन जो है आपके लिए बेहतरीन है। आगे का टॉपिक जो हमारा है दोस्तों वो है ऐतिहासिक और तुलनात्मक विधि में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन द हिस्टोरिकल मेथड एंड कॉपरेटिव मेथड। कहते दोनों में भिन्नता की क्या क्या सब हो सकते हैं ये हमने जानना है, इतिहास और तुलनात्मक। देखिए इतिहास विधि जो है विकासवादी विचारधारा से प्रभावित होती है, इतिहास जो होती है विकासवादी विचारधारा से प्रभावित होती है। इसी प्रकार तुलनात्मक विधि को भी विकासवाद से ही प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब विकास करोगे तभी जो है आपका जो है तुलनात्मक विधि भी उत्पन्न होगी और इसे इतिहास भी बनेगा। तथ्यों में काम कारण और संबंध स्थापित करने के लिए दोनों ही ऐतिहासिक सामग्रियों की महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अगर दोनों साधन न हो तो हमारा जो है तथ्य आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगला, इतिहास और तुलनात्मक दोनों ही विधियों में उपकल्पना के निर्माण का कोई महत्व नहीं होती है। दोनों ही विधियों में जो उपकल्याण की सच्चाई की परीक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अब देखिए दोनों विधियों में क्या अंतर पाया जाता है। सबसे पहले अंतर तो यही आती है हमारे सामने समक्ष कि ऐतिहासिक विधि में हम सिर्फ एक ही समाज का अध्ययन करते हैं, परंतु तुलनात्मक विधि में एक समाज के अन्य समाजों की तुलना करने का अध्ययन है। देखिए इतिहास में सदैव जो होता है एक ही समाज के बारे में बताया जाती है, एक ही समाज के बारे में समझाया जाता है, बट आपको पता है तुलनात्मक विधि में हमें कई समाज को लेके फिर जाके हमें उसको तुलना करने की आवश्यकता महसूस होती है। उसके बाद कहते हैं ऐतिहासिक विधि में एक ही समाज में पाई जाने वाली संस्थाएं, जातियां, समुदाय में पाए जाने वाले या होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, परंतु तुलनात्मक विधि में एक समाज में पाई जाने वाली संस्थाओं में होने वाले परिवर्तन की तुलना दूसरे समाज में पाए जाने वाले परिवर्तन से की जाती है और फिर उसके संबंध नए जो है नियमों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास विधि में केवल एक ही समाज में पाई जाने वाली संस्थाएं, जातीय समुदाय में पाए जाने वाले परिवर्तन का सिर्फ अध्ययन होता है, लेकिन तुलनात्मक विधि में क्या होता है कई समाज कई जातियों को आपस में तुलना करके नए कंक्लूजन हमें निकालने की आवश्यकता पड़ती है।
उसका थर्ड पॉइंट यही कहता है कि तुलनात्मक विधि में यह समस्या समक्ष आती है कि एक इकाई की किसी अन्य इकाई की तुलना की जाए। तो ये तो बात सच्चाई है कि अगर दो इकाइयों की तुलना आप नहीं करोगे आपस में तो आपको नई जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त शायद आपको न हो। इतिहास विधि में भी यही मुश्किल है परंतु इतनी तेज नहीं है। लेकिन इतिहास में भी यही होता है कि हम पुराने इतिहास पुराने बातों को कैसे हम उसकी बातों का सामंजस्य स्थापित कर पाए। तो कहते हैं उपयोग व्याख्या स्पष्ट होता है कि ऐतिहासिक और तुलनात्मक विधि में कुछ अंतर जरूर दिखाई देता है। ऐतिहासिक विधि का क्षेत्र केंद्रित होता है, तुलनात्मक विधि जो होती है विधि विस्तृत होती है, परंतु इतना होते हुए भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए दोनों ही विधियों का अपना महत्व होता है। उसके पश्चात हमारा आता है तुलनात्मक विधि के गुण। देखिए अब तुलनात्मक विधि के कुछ गुण होंगे कुछ दोष भी होंगे, तो पहले तो हम इसके गुण जानने की कोशिश करते हैं कि इसके गुण क्या है। गुण जो है आपके समक्ष यही बात आ रहा है सामने कि सामाजिक खोजों के काम में तुलनात्मक विधि का कुछ महत्व और उपयोगिता भी हो सकता है। कहते हैं जब आप नई कल्पनाओं का निर्माण करते हैं और अपने प्राचीन भी जो है परिकल्पनाओं की पुष्टि करते हैं तो तुलनात्मक विधि हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। आपको पता है कि चीज़ों में हम अगर तुलना करते हैं तो एक नई बात हमारे सामने उभर के आता है, तो इससे हमारा जो होता है कल्याण हो जाती है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कल्याण की बात आती है तो आपको मैं हमेशा कहता हूँ ना कि दूसरे बच्चों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद क्या पता आपके शेयर करने से दूसरे बच्चों को भी ये बात समझ में आ जाए और वो अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर ले। कहते हैं जग कल्याण ही इंसान की परम धर्म होना चाहिए, दूसरे का हेल्प करना ही इंसानों का सच्चाई होना चाहिए। तो यही बात सामने आता है, अगर आप अच्छे करते हो तो दूसरा भी अच्छा आपके लिए करेगा। तो ऐसे क्या होता है हमारे समाज में एक अच्छा असमंजस उत्पन्न नहीं रहती है, हमारे क्या होता है हम सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बंध जाते हैं। तो यही बात यहां बताने की कोशिश किया है कि तुलनात्मक विधि हमारे लिए उपयोगी ही सिद्ध होता है। अगर हम दूसरे से तुलना करते हैं जानने की कोशिश करते हैं परखने की कोशिश करते हैं तो हमारे इससे क्या होता है एक नया कंक्लूजन नई बातें सामने आती है। उसके पश्चात जो है हमारे सामने सामाजिक खोज में जटिल सामाजिक संरचनाएं और संस्थाओं के विश्लेषण की जरूरत पड़ती है। देखिए जब तक आप विश्लेषण किसी चीज़ के नहीं कीजिएगा ना तब तक नई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। कहते हैं इस विश्लेषण के बिना हम संस्थाओं और जो संस्थाएं संबंधी कोई भी नियम नहीं बना सकते हैं। इस विश्लेषण और सामाजिक जो है साधारणीकरण के काम में तुलनात्मक विधि को सहायक होती है। अगर इस विश्लेषण और साधारणीकरण के काम में तुलनात्मक विधि का सहयोग नहीं करोगे तो शायद आगे बढ़ना संभव नहीं है। आगे समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करना ही काफ़ी नहीं है बल्कि इन घटनाओं की व्याख्या भी करनी पड़ती है। यानी जब तक आप व्याख्या नहीं करोगे तब तक आगे आप नहीं बढ़ सकते नहीं जान सकते। इसलिए क्या है व्याख्या के इस काम में तुलनात्मक विधि द्वारा घटनाओं के नियमित सहसंबंधों का पता लगाया जाता है कि इसके साथ उसका क्या संबंध है क्या विचारधारा होती है और कैसे हमें आगे लेके चलना है। तो ये सारे बातें जो होती है तुलनात्मक विधि के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद हमारा है समाजशास्त्र में एक ही समस्या का एक विधान में अलग अलग दृष्टिकोण के अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ अलग अलग विद्वानों में भी अलग अलग दृष्टिकोण से उसी समस्या का अध्ययन किया जाता है। इनसे प्राप्त परिणामों की तुलना करके ही सामाजिक घटनाएं संबंधी साधारणीकरण किया जा सकता है और इस उद्देश्य से अलग अलग दृष्टिकोण को सुमेल करने के लिए तुलनात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाना चाहिए। देखिए हमने एक बात हमेशा जानते हैं कि बातें सभी को सुनो सभी की बातों को समझो लेकिन जो होता है उनका मेन बात जो आती है कंक्लूजन निकलती है उस पर चलो, क्योंकि सभी की विचारधारा अलग अलग होते हैं। क्या पता किसी की दूसरे की विचारधारा आपके लिए एक महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाए। तो ये चीज़ें जो होती है इसकी तुलनात्मक विधि के गुण हैं और इसको हमें अपने जीवन पे भी लागू करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी जाके जो है MPhil भी कर सकते हो और PhD में भी अपना विचारधारा प्रस्तुत कर सकते हो। उसके पश्चात हमारा है तुलनात्मक विधि के दोष। देखिए कहते हैं ना कुछ अच्छाई होती है किसी में तो कुछ बुराई भी होती है। अगर इसके कुछ गुण थे तो कुछ अवगुण भी होंगे। तो जो व्यक्ति दोनों लेके चलता है वही जीवन में जो है कामयाब भी होता है और इसका जीवन सार्थक भी सिद्ध होता है। तो हमने चलो दोष तो देख लिया तुलनात्मक विधि के, अब हम जो गुण देखेंगे तो कहते हैं गुण में तो यही बात आती है समक्ष आपके कि सामाजिक घटनाएं सदा एक ही प्रकार की नहीं होती हैं।
ये बात तो 100% से सही भी है कि सामाजिक घटनाएं सदा एक जैसा नहीं होता है। उनका अध्ययन तुलनात्मक दृष्टि से संभव नहीं है क्योंकि तुलना साझी तरह से घटनाओं में की जा सकती है। देखिए ये बात भी यहाँ पर कहीं तक सही भी है कि तुलनात्मक दृष्टि से संभव नहीं होती है कि हम तुलना कर ले और उसका सही सही निकाल लें। कभी कभी हम जो परिणाम निकालते हैं वो सत्य सिद्ध भी नहीं होता है और वो सत्य कभी बात बनती भी नहीं है। कहते हैं तुलनात्मक विधि का प्रयोग परिकल्पना के बिना नहीं हो सकता है। देखिए इसमें थोड़ा कल्पना की आवश्यकता जरूर पाई जाती है। इस संबंधित एड फिलिप ब्राउन का जो कहना है कि अकेला तुलनात्मक विधि आपको नहीं देती है, बिना बीज जो है बीजे जमीन में कुछ नहीं उग सकता है। तुलनात्मक विधि की कल्पनाओं की जाँच करने का ढंग एक ढंग है। तो ये बात भी इन्होंने सही कहा था कि जब तक आप धरती पर कोई बीज नहीं डालिएगा, मिट्टी में कोई बीज नहीं दीजिएगा, तो एक नया पौधा कैसे बनेगा। तो सेम यही बात आ जाता है कि जब तक आप परिकल्पना नहीं कीजिएगा, जांच उसको परख नहीं कीजिएगा, तब तक आपको कोई नया कंक्लूजन निकलना शायद आपके लिए संभव नहीं है। कहते तुलनात्मक संस्थाओं के अर्थ और ढांचे के आधार पर ही की जाती है, परंतु तुलना की यह इकाई प्रत्येक समाज में अलग अलग होती है और समय समय पर बदलती ही रहती है। इसलिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग करना सामाजिक घटनाओं में असमान नहीं है। इसलिए देखिए बात भी सही मानी जा सकती है कि समय समय पर बदलती रहती है। सामाजिक घटनाएं जो होती है दोस्तों, एक ही बात हम लेकिन नहीं चल सकती है क्योंकि समाज सदैव बदलती रहती है। समाज में जो है रूल रेगुलेशन आए दिन बदलते रहते हैं, आए दिन हम लोग चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम तुलना जब करेंगे तो बहुत हम फर्क पाएंगे। तभी तो आप देखते हो कि जो आप लोगों का विचारधारा है और जो आपके बुजुर्ग लोगों के विचारधारा है कहीं भी मेल नहीं खाती है। वो ए कहते हैं तो आप लोग बी समझते हो। तो यही तुलनात्मक आप समझ सकते हो कि पुराने और नए में असमंजस स्थापित करना संभव नहीं रह जाती है। आगे हमारा है, समाज में अलग अलग जो है सभ्याचार पाए जाते हैं। ये बात तो परम सत्य है कि समाज है तो उसमें बहुत तरह के जो है सभ्यताएं पाई जाएगी। एक देश का सभ्यार जो सभ्यता है दूसरे देशों की सभ्यताओं से भिन्न होती है। ये बात भी सत्य है। इस विभिन्नता कारण तुलनात्मक विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये बात भी सत्य है क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें बात बताई यही गई है कि हर समाज की हर जगह संस्कृति जो होती है अलग अलग होता है, अलग अलग उनके कहने का ढंग होता है, अलग अलग जीने का ढंग होता है। तो सभी समाजों में जो है सभ्यताएँ अलग होती हैं। तो कहते हैं उनके साथ एक जैसा होना संभव नहीं है, इसलिए विभिन्नता की तुलनात्मक विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर आप अमेरिका के समाज के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इंडिया की समाज उस समय समक्ष रखना ही पड़ेगा और आप देखोगे कि दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। आप रहन सहन खान पीन ही देख लो अमेरिका के लोगों को, इंडिया के लोगों को देख लो, कितना अंतर आपको दिख जाएगा। इसमें दो राय नहीं है, आप खुद भी इसका जो है कल्पना कर सकते हो। आगे है, घटनाओं का वर्गीकरण करके ही हम किसी घटना की तुलना कर सकते हैं। तो ये बात भी सत्य है कि जब तक घटनाओं को आप आपस में तुलना नहीं कीजिएगा तो शायद आगे बढ़ना आपके लिए शायद संभव न रहे। यह वर्गीकरण साधारण दृष्टिता और अदृष्टता के आधार पर होती है, परंतु तुलनात्मक विधि में घटनाओं के इन लक्षणों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। जो इसके लक्षण होते हैं शायद इसका अध्ययन करना संभव नहीं है। उसके पश्चात हमारा जो है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय अलग अलग कारकों को देखना भी पड़ता है। देखिए जो एक रिसर्चर होता है, जो एक अच्छा रिसर्चर होता है, वो ये बात जरूर देखता है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय अलग अलग कारक जो होते हैं यानी उसका जो फैक्टर होता है उसको देखना भी बहुत जरूरी है। जिन फैक्टरों को नज़रअंदाज कर देते हैं वो कभी भी अच्छा रिसर्चर नहीं बन सकते। कहते हैं तुलनात्मक विधि बहु कारकों के सिद्धांतों का आलोचना भी करती है। बहुत से कारक होते हैं जिसका जो है तुलनात्मक विधि आलोचना भी करते हैं। कई कई आप बार देखते हो, आप जब तुलना करते हो तो बहुत सी ऐसी बातें आ जाती है, खामियां आ जाती है जिसको आपको आलोचना किए बिना रहा भी नहीं जाता। उसके पश्चात हमारे सामने समक्ष होता है ऐतिहासिक और तुलनात्मक विधि में अंतर। अब देखिए जहां पर हम गुण अवगुण कर लिए हैं तो ऐतिहासिक और तुलनात्मक विधि में अंतर भी करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कुछ लोग तुलनात्मक और ऐतिहासिक विधियों को एक ही मान लेते हैं। यह सच है कि यह इनकी पूरक भी है, फिर भी यह दोनों अलग अलग विधियां हैं। इनमें मुख्य अंतर कुछ यही हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही आती है कि आपके समक्ष कि तुलनात्मक विधि में तथ्यों के वर्गीकरण विश्लेषण की प्रक्रिया जो है लाजमी तौर पर निहित रहती है, यानी वर्गीकरण और विश्लेषण की जो है रहना ये जो है तुलनात्मक विधि में जरूरी पाई जाती है।
और कहते हैं कि इस विभिन्नताओं और समानताओं को वर्गीकरण किया जाता है, यानी आपस में जो है इनको जो है डिफ्रेंशिएशन भी करना जरूरी होता है। कहते हैं कि इस विधि में एक ही समाज या अलग अलग समाजों में पाई जाने वाली संस्थाओं को आपसी तुलना और विभिन्नताएं भी किया जाता है और इसके बाद उनके विश्लेषण करने में कार्यकरण के संबंधों को पता लगाया भी जाता है और अंत में जो है साधारण नियमों का भी स्थापना किया जाता है। यानी जब आप तुलना कर लोगे, जब आप समझ लोगे, तब जाके जो है आपको एक नया रूल रेगुलेशन और नियम बनाने की आवश्यकता महसूस होती है और यही रूल रेगुलेशन और नियम जो होती है उसको आगे बढ़ाने में आपको काफ़ी अग्रसर रहेगा। और इसलिए इन विधियों को भी जो है वर्गीकृत और विश्लेषण विधि कहा जाता है। यानी दोस्तों जब तक आप उसको डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, अलग अलग उसको पार्टों में नहीं बांटेंगे, तब तक जो है किसी चीज़ की जानना शायद संभव नहीं हो। आपने देखा होगा, साइंस में कभी पढ़ा भी होगा छोटे क्लासों में, कि ये नाइन्थ क्लास का ही टॉपिक है जिसमें क्या करते हैं, हम सभी जीव जंतुओं को वर्गीकरण करते हैं और इसमें ये भी पूछा जाता है कि भाई वर्गीकरण हम क्यों करते हैं। वर्गीकरण करने से ये होता है कि हम हर जीव जंतु की करैक्टरिस्टिक्स यानी उनकी विशेषताओं के बारे में जान जाते हैं। तो यही बात जरूरी है कि किसी भी विधि को आगे बढ़ाने के लिए हमें वर्गीकृत और विश्लेषण की विधि करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको वर्गीकृत नहीं कीजिएगा, अलग अलग पार्टों में डिवाइड नहीं कीजिएगा, तो वह शायद आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब देखिए, आपका भी जो होता है सोशियोलॉजी, आप एक सिलेबस के रूप में आज जो है बीए में पढ़ती हूँ और एमए में आते आते सोशियोलॉजी के कितने पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इनको वर्गीकरण करके फिर आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो ये चीज़ें जो होती है आप अलग अलग चीज़ों के जो है व्याख्यात्मक रूप में अध्ययन कर पाती हो, तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाती है। इसके विपरीत ऐतिहासिक विधि का उद्देश्य साधारण नियमों का स्थापना करना नहीं होता है, इसलिए तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करना उनका लाजमी अंग है। देखिए दोस्तों, ये बात बहुत ही सही बताया गया है कि ऐतिहासिक विधि का उद्देश्य साधारण नियमों की स्थापना करना नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक विधि जो होती है आपको पता है ना, इतिहास कभी भी रूल रेगुलेशन लागू नहीं करती है, इतिहास तो बन जाती है। जो भी हम यहाँ करते हैं वो इतिहास बनती चली जाती है, ठीक है। और इतिहास कभी आपको नहीं कहता कि भाई आप ऐसे कर्म करो, ये तो आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि अगर मैं जैसा कर्म करूँगा, जैसा मैं विचारधारा रखूँगा, वैसा ही आने वाला समय में मुझे रिप्रेजेंट करेंगे लोग, ठीक है। महात्मा गांधी ने जो है अहिंसा का सहयोग दिया था, तब जाके इनको इतिहास में हमेशा अहिंसा के पुजारी के रूप में ही जाना जाता है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को भी आप जानते हो, ये हमेशा जो थे हिंसा के सहारा लेते थे और इन देखिए कहते ना, दोनों का विचारधारा अलग अलग था। महात्मा गांधी का अलग था विचारधारा और इनका विचारधारा अलग था। कहते हैं उन्होंने इतिहास में जैसा उन्होंने किया वैसा उनका बना, लेकिन दोनों का उद्देश्य जो था जन कल्याण था, इसलिए उन दोनों को गलत नहीं कहा जा सकता। उस समय जो था अहिंसा के साथ साथ हिंसा की भी सहारा लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि कहते हैं ना अंग्रेज ऐसे जाने वाले नहीं थे, तो दोनों के विचारधारा जो थे बहुत ही अपने जगह पर सही भी था, ठीक है। तभी जाके जो है अंग्रेज का यहाँ से नींव उखड़ना संभावित हो गया और उनको लगा कि शायद यहाँ रहना संभव अब नहीं है। कहते इतिहास सिर्फ, आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि इतिहास की जो विधि होती है दोस्तों, वो सिर्फ आपका क्या करता है, एक तरह से देखा जाए तो एक स्मरण करने की विधि है। यानी इतिहास विधि विवरण की एक विधि है जिसमें आपको सिर्फ विवरण दी जाती है, एक कुछ यादें रह जाती है और जिसका उद्देश्य किसी घटना की विशेषताओं या उसके विकास क्रम का वर्णन करना है, न कि इतिहास में स्वयं ही चले जाना है। इतिहास का मतलब ही होता है कि जो आप अभी कर रहे हो वो धीरे धीरे इतिहास बनता जा रहा है और इतिहास आपको नहीं कहेगा कि आप अपने आप को बदल लो, जैसा आपका नेचर रहेगा आप उस प्रकार ही अपने आप को अग्रसर करते रहोगे। तुलनात्मक विधि ने किसी एक समाज या उसका किसी एक संस्था में होने वाली परिवर्तन का अन्य किसी समाज या उसकी संस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को से तुलना की जा सकती है। इसी आधार पर कार्य कारण संबंधों को स्थापित करने का भी यत्न किया जाता है। कहते हैं इसके विपरीत इतिहास विधि में एक विशेष समाज में किसी विशेष संस्था को जन्म, विकास और परिवर्तन का अध्ययन भी करते हैं। तुलनात्मक विधि में ये जरूरी है कि खोजकर्ता सदा एक कल्पना के आधार पर अपने अध्ययन आरंभ करें, परंतु उपरोक्त विभिन्नताओं को होते हुए भी इन विधियों में निम्नलिखित समानताएं भी पाई जा सकती हैं। तो कहते हैं बहुत सी चीज़ें जो होती है कुछ समानताएं भी पाई जाते हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसमें साफ शब्दों में देखा जा सकता है कि यह दोनों ही विधि विकासवाद से प्रेरित है, यानी दोनों में ही जो है विकास की जो धारणाएँ हैं वो निहित है। कहते हैं उपरोक्त दोनों विधियों में ऐतिहासिक सामग्री का प्रयोग तथ्यों में कार्यकरण का संबंध स्थापित करने के लिए भी किया जाता है, यानी दोनों विधि में जो है ऐतिहासिक सामग्री का प्रयोग तत्वों में कार्यकरण का संबंध स्थापित करने के लिए भी सदैव किया जाता है और इस
जो है समानताओं के कारण ही आधुनिक युग में अनेकों सामाजिक अध्ययनों में ऐतिहासिक और तुलनात्मक विधि का मिलते जुलते रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी दोनों के जो है मिलता जुलता रूप होना बहुत ही जरूरी है। अगर दोनों में मिलता जुलता रूप नहीं रहेगा तो शायद इसका अध्ययन करना संभव नहीं है। तो एक बात तो आपने समझ ही गए अच्छे तरीका से, जिसमें आपको डाउट भी नहीं होना चाहिए कि इतिहास जो है हम स्वयं बनाते हैं, और इतिहास में आप जाके कुछ अलग करने की विविधताएं नहीं ला सकती हो। और जो विधि होती है हमें जांचने परखने की विधि है, यानी तुलनात्मक विधि है, वो किसी भी समाज की जो है कई समाजों को आपस में रख के तुलना किया जा सकता है और उसमें जो है अपना एक नया कंक्लूजन निकाला जा सकता है। समाज में जो घटनाएं घटती है, जो क्रियाएं होती है, वो सदैव ही इतिहास कहलाता है और वो ऐतिहासिक विधि कहलाती है। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। तुलनात्मक विधि के किसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं इतिहास में द काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव मैथड, ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि। तुलना दो तरह की होती है, उनके आधार पर हम तुलनात्मक विधि की किस्मों का अध्ययन कर सकते हैं। पहले वर्ग में हम उस तुलना को लेते हैं जिसे हम में साझे कोटे और घटनाओं की तुलना की जाती है, और इस तुलना में विश्लेषण केवल एक ही विधि का ही प्रयोग किया जाता है। और दूसरे में साझे जो कोटे के घटनाओं की तुलना एक ऐसी तुलना है जो एक जैसी घटनाओं में की जा सकती है, जैसे अलग अलग देशों में संसद व्यवस्था की तुलना। और इस तरह की तुलनात्मक विधि को जो है ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि कहा जाता है। ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि में कुछ समस्याओं को देखने भी पड़ता है, कुछ उसके द्वारा अध्ययन की जाने वाली घटनाओं में साधारण विशेषताएं हो और साथ साथ ही उनमें हम साझा जटिलता ही हो। दूसरे जो है शब्दों में घटनाओं में सृजनात्मक तुलनात्मक जो रूपांतरण होना जरूरी भी होता है। अब यहाँ पर बात आती है खोजकर्ता की तुलना करते समय उन घटनाओं को जो है परिपेन के अध्ययन भी रहना होता है जिसे हम तुलना की जाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने किसी चीज को तुलना करना है तो आपको दोनों वस्तुओं को जो है माइंड में रखने की आवश्यकता है, और दोनों की जो है सभी गुण और अवगुण जानने के पश्चात ही आप उसकी तुलना कर सकते हो। आगे जो हमारा है ऐतिहासिक तुलना विधि के रूप, अब देखिए ऐतिहासिक तुलना करने की क्या विधि है। कहते हैं साझे कोटे घटना की तुलना करना ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि कहा जाता है, यानी साझे कोटे की घटना, यानी जो भी आपके समक्ष घटना घटती है उसकी तुलना करना ही जो है ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि कहा जाता है। साझे कोटे की घटनाओं की तुलना की दो किस्में मानी गई है, ये दो जो है कौन कौन सी है हमें समझना पड़ेगा। कहते हैं निकट की तुलना, सबसे पहली बात तो है निकट की तुलना, यानी उसके जो है पास जो है क्या हो सकती है। कहते हैं जब कोई तुलना साझी संरचनाओं प्रक्रम वाली घटनाओं में की जाती है तो इस तरह की तुलना को निकट की तुलना कहा जाता है, यानी बहुत ही आप संरचना और प्रकार की तुलना करते हो, उसके बहुत निकटता के बारे में जानना चाहते हो तो उसको निकट तुलना कहा जाता है। और इस तरह की तुलना का मुख्य उद्देश्य अलग अलग तरह की घटनाओं में अलगता की खोज करना होता है, और यह तुलना अलगताओं के अलग निकास का उनका विश्लेषण भी करती है। इस तरह की तुलना सामाजिक विज्ञान के लिए भी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। इस तरह की तुलना में किसी सामाजिक घटना की व्याख्या सभ्याचारक अलगताओं के आधार पर भी की जा सकती है। इस नजदीकी की तुलना का प्रयोग दुर्खिम के आत्महत्या के अलग अलग किस्मों की व्याख्या करने में भी किया गया था। अगर आत्महत्या के जो सिद्धांत अगर आपने पढ़ा होगा, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया था दुर्खिम का, तो शायद आपको इसके बात की समझ जरूर हो जाएगी। उसने दिखाया भी है कि अलग अलग सभ्याचारों में आत्महत्या के अलग अलग स्वरूप हो सकती है। इस तरह एक विद्वान जो है लिपसेट से बताता है, जैसे जैसे समाजों में आर्थिक विकास होती है वैसे वैसे ही लोकतांत्रिक संस्थाओं की संख्या बढ़ती ही रहती है। यानी कहते हैं जैसे समाज का विकास होगा नए रूप लड़ंग जो होता है सदैव चेंज होता रहता है। उसके पश्चात जो हमारा दूर की तुलना, देखिए इस तरह की तुलना में अलग अलग तरह की संरचना वाली घटनाएं या संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इस तरह की तुलनाओं की ऐतिहासिक तुलनाएं कहलाती है, क्योंकि इनमें से अलग अलग युगों में पाई जाने वाली सामाजिक घटनाओं की तुलना शामिल की जाती है। यानी अलग अलग युग में जो घटना घटी थी उसका जो है हम यहाँ पर तुलना करते हैं। इस विधि में घटनाओं से संबंधित उन तत्वों को निकास दिया जाता है या निकाल दिया जाता है जिसमें साझेपन पाया जाता है, यानी साझेपन की जो प्रवृत्ति होती है उसको निकाल देना ही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होती है। यह दूरी की तुलना सामाजिक विज्ञान में विशेष महत्व भी रखती है। उसके पश्चात हमारा है एक ही घटना की अलग अलग दृष्टिकोण से तुलना, सामाजिक खोजकर्ता में जो घटनाओं का अध्ययन करने की दूसरी विधि है।
एक ही घटना की अलग अलग दृष्टिकोण से तुलना करने की विधि भी इसको मानी जा सकती है। इस विधि के दौरान एक ही घटना का मुख्य विषय होती है। अगर आपको देखो आगे भी अगर कुछ करना है तो एक ही घटना के जो है इर्द गिर्द आपको घूमने की आवश्यकता है, जिनका अध्ययन विधियों द्वारा कुछ परिणाम प्राप्त करने से भी किया जाता है और फिर परिणामों का विश्लेषण करके सुधारीकरण किया जा सकता है। संस्था, समुदाय और ग्राम आदि को इस तरह की तुलना के विषय के आधार पर ही दो भागों में बांटा जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि इसको दो भागों में बांटने की ये सबसे बड़ी अच्छी पद्धति है। एक ही विषय में तुलना, देखिए समाज शास्त्री का कहना है कि समाज एक समूह और उनका ज्ञान भी संपूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहिए। इस दृष्टि से ही एक ही विषय की घटनाओं का अलग अलग विधि द्वारा अध्ययन करना चाहिए, यानी कोई भी घटनाएं घटती है उसको अलग अलग विधि द्वारा अध्ययन करना ही इसकी सार्थकता सिद्ध होती है। कहते हैं और उस समय अध्ययन से प्राप्त अलग अलग परिणामों की तुलना करनी भी चाहिए। अध्ययन वस्तु विशेष पक्ष का अध्ययन विशेष पक्ष का अध्ययन विशेष वैज्ञानिक द्वारा किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा जो समाज आज बन गया है वो सामाजिक पद्धति की जगह पर आज वैज्ञानिक पद्धति ने बहुत ले लिया है। आज कोई भी घटना घटता है तो हम उसको जो है सामाजिक तौर पर नहीं देखते हैं, उसको वैज्ञानिक तौर पर देखते हैं और साइंटिफिक तौर पर उसको सोल्यूशन करते हैं और उसको खोज करके हम नई कंक्लूजन निकालते हैं। जो कहते हैं जैसा समय बदल गया है वैसा ही अध्ययन करना होता है। आपको पता कि पुराने समय में कोई दोषी होता था, कोई उसके समक्ष पाया जाता था तो उसको ही हम गुनाहगार मान लेते थे, ऐसा ही होता था, ये आपको भी ज्ञान है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। पहले हम जांच पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, एविडेंस देखते हैं, फिर जाके जो है हम अपना जो है पूरा निष्कर्ष निकाल के फिर हम जो है रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए, ये वैज्ञानिक ढंग जो है कई निर्दोष की जान भी बचा देते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी का हेल्प भी करने गया है, अगर वो गलती से फंस गया है उसमें, तो वैज्ञानिक तथ्य जो है उसको उस चीज़ से अलग कर देती है और उसको बचा सकती है। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। कहते हैं कि दूसरे शब्दों में एक ही विषय में तुलनात्मक विधि एक ऐसी विधि है जिसमें अध्ययनकर्ताओं की एक टोली द्वारा घटनाओं के एक पक्ष का और दूसरे टोली द्वारा दूसरे पक्ष का अध्ययन किया जाता है। इसलिए यह विधि एक टोली संयोग से जो है प्रगतिशील होती है, यानी इससे ही यह आगे बढ़ती भी है। उसके पश्चात हमारे पास है अनेकों विषय की तुलना विधि। देखिए अनेकों कहते हैं ना, हर एक विषय के बारे में जानना ही एक साइंटिस्ट का एक जो है एक रिसर्च का आधार बनता है। कहते हैं इस तरह की विधि में अनेकों विषय से संबंधित विद्वान एक टीम के रूप में काम करते हैं और एक ही घटना का अध्ययन अपने अपने दृष्टिकोण से भी करते हैं, जैसे परिवार, विघटन, सामाजिक घटना। इस अध्ययन का इतिहास, मनोवैज्ञानिक, मानव शास्त्री, समाज शास्त्र, इतिहास आदि महिम अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। इस तरह की विधि को अनेकों विषय की तुलनात्मक विधि या अंतर्वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं, यानी इसे आप कह सकते हो अंतर्वैज्ञानिक विधि, क्योंकि अंतर्वैज्ञानिक विधि होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आप पांच व्यक्तियों को बैठा रखे हो, वह अलग अलग विषयों की जो है ज्ञान करता है, सबके अपने अपने विचारधारा होते हैं, सबके अपने विचारधाराओं के प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन जो इसमें रिसर्चर हैं उनको इस बात को कंक्लूजन निकालने की आवश्यकता है कि सभी व्यक्तियों के बातों में कौन सी बात जो थी कॉमन थी और किस बात को जो है हमने आधार बनाना है। यही चीज़ें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और मानी भी जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है समाज शास्त्र में ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग, आखिर हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं इसके विषय में। कहते हैं ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि की व्याख्या विद्वानों ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण और तुलनात्मक दृष्टिकोण में अंतर से किया है। उनका कहना है कि ऐतिहासिक वर्णनात्मक विधि और तुलनात्मक विधि में उन तथ्यों का विश्लेषण भी किया जाता है जिनके वर्णन ऐतिहासिक विधि से प्राप्त होती है। तुलनात्मक विधि घटनाओं में पाई जाने वाली सत्यताओं का विश्लेषण करके घटना संबंधी साझे सिद्धांतों का निर्माण करती है और इस तरह समाज शास्त्री की दृष्टि से ऐतिहासिक विधि और तुलनात्मक विधि दोनों ही अलग होते हैं, परंतु समाज शास्त्र में इन दोनों की विभिन्नताओं को समाप्त करके एक जो है समायोजनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, यानी सभी चीज़ों को जो है कंक्लूजन
निकाल के एक नई दृष्टिकोण अपनाई गई है। इन समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाजशास्त्र में ऐतिहासिक विधि और तुलनात्मक विधि दोनों का ही होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक विधि का नया घटनाओं के विवरण का विश्लेषण करना होता है, परंतु जब तक घटनाओं का विवरण प्राप्त नहीं होगी तब तक जो है तुलनात्मक विधि द्वारा उनका विश्लेषण संभव ही नहीं होगा। घटनाओं का यह वर्णन हमें ऐतिहासिक विधि से ही प्राप्त होती है, इसलिए कुछ समाजशास्त्री ऐतिहासिक विधि को एक दूसरे के पूरक मानकर ठीक है दोनों को क्या करते हैं पूरक मानते हैं और इस एक नई विधि को जन्म दिया जाता है जिसको हमें ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आप एक बात नहीं रखिएगा कि जब तक घटनाओं को जो विश्लेषण नहीं कीजिएगा, कहते हैं दोनों को पूरक बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोनों को आप लेकर चलिएगा, दोनों में से जो असमंजस जो रहेगी उनको दूर कीजिएगा और दोनों के बीच में जो मेन बातें कनेक्टेड है उसको निकालिएगा, तो इसी को ही हम कहते हैं ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि भी कह सकते हो। इससे हम क्या करते हैं, तुलना करके जो है नया कंक्लूजन निकालते हैं। उसके पश्चात जो हमारा दोस्तों यह है ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि या समाजशास्त्र में प्रयोग। देखिए, समाजशास्त्रियों के विचार पर प्रभाव अलग अलग समाजशास्त्रीय समाज का अध्ययन अलग अलग दृष्टिकोण से भी करते हैं। आधुनिक युग के जो है विकासवादी समाजशास्त्री ऐतिहासिक विधि और तुलनात्मक विधि का तालमेल करने में विश्वास रखते हैं। इन तालमेल को ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का नाम भी दिया गया है और इस विधि में जो है कॉम्टे स्पेंसर दुर्खिनी और वेनर सेरोकिन और राइटर जैसे समाजशास्त्री के विचारों को प्रभावित भी किया है और समाजशास्त्र अध्ययन में उनके दृष्टिकोण को एक नया मोड़ भी दिया है। ठीक है, ये बातें तो अपनी जगह पर सत्य सिद्ध होती है, लेकिन कहते हैं कि नए तात्विक उत्पत्ति ऐतिहासिक तुलनात्मक दृष्टिकोण के कारण समाज में जो है कदर कीमतों का समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र आदि नए तथ्य के भी जन्म हो रहे हैं। तो जन्म तो होना, कहते ना यहाँ पर नए विचार का जन्म होना और नए पुराने विचार का खंडित होना, ये तो स्वाभाविक रूप से चलता ही रहता है, क्योंकि समाज जो है सदैव परिवर्तनशील ही रहती है और जो परिवर्तनशील रहता है उसमें जो है इतिहास भी बदलती ही रहती है। तो आप देख सकते हो कि पुराने समय का इतिहास क्या थी और आज के जनरेशन की जो इतिहास है वो क्या बन रही है। तो कहते हैं समय जो है सभी चीजों में असमंजस स्थापित करने के लिए हमें प्रेरणा देती है और हमें आगे बढ़ने के जो है विकल्प भी समक्ष रखती है। कहते हैं महत्व प्रक्रियाओं का अध्ययन में सहायक है। आधुनिक युग में आधुनिकरण, नागरिकरण और औद्योगिकरण, राजनीतिकरण और लोकतांत्रिकरण आदि का महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अध्ययन में ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग उपयोगी माना भी गया है। कहते हैं ऐतिहासिक व्याख्या, ऐतिहासिक दर्शनों का यत्न सदा ऐसे सिद्धांतों खोज करना रहा है जिस के द्वारा संपूर्ण मानव इतिहास की व्याख्या की जा सके। इस तरह की जो है खोज में समाजशास्त्री के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। इन दृष्टिकोणों का ज्ञान ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है साझे नियमों की स्थापना। देखिए, समाजशास्त्री के विकास में कुछ नियम भी पाए जाते हैं, उनकी स्थापना करने में ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का भी प्रयोग किया जाता है और ये चीज़ें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और समझी जाती है। कहते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में विधि का प्रयोग। देखिए, समाज में अनेकों संस्थाओं का संरचना आदि में भी परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन संबंधी विद्वानों के विचार समय समय पर बदलते रहते हैं। अभी मैं इसी बात पर भी चर्चा कर रहा था कि समय समय पर जो है हर चीज बदल रही है, समाज भी बदल रही है, जो थिंकनर है, जो फिलोसफर है, उनके विचारधारा भी चेंज हो रहे हैं और समाज में नए नए विचारधारा उत्पन्न भी हो रही है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक कारकों को समाज परिवर्तन माना था, जो आर्थिक कारक होते हैं वो होते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्स वेबर ने धर्म को समाज परिवर्तन का एक ही कारण माना था। परंतु विकास के आधुनिक युग में यह विश्वास किया जाने लगा कि कोई भी सामाजिक परिवर्तन किसी विशेष कारक परिणाम नहीं होता है, ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि ही विचारधारा को जन्म देती है, क्योंकि इतिहास के जब तुलना करते हो तो एक नई विचारधारा आपके जो है मन में जन्म लेती है। और इस दृष्टिकोण के समर्थकों का विचार है कि अलग अलग समाज और सभ्यताएं, सभ्याचार और व्यवस्थाओं का विकास किसी एक कारक का परिणाम नहीं है, बल्कि इन सभी का विकास उनमें पाए जाने वाले परिवर्तन के कुछ साझे नियमों के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ये बातें भी काफी हद तक सत्य भी है,
कि समाज सभ्यताएं सदाचार और व्यवस्थाओं के विकास के कारण ही होती है। दोस्तों कहते हैं समाज में विकास करने या नहीं करने, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप अपने पूर्वजों को विचारधारा को देखिए और अपना विचारधारा देखिए, दोनों में कई अंतर पाई जाती हैं, लेकिन कई विचारधारा जो होती है आपस में मिलती जुलती भी है और आपको सही भी लगती है। तो कहते हैं दोनों को ही साथ में लेके चलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे जो है इसमें आप देख ही सकते हो कि ऐतिहासिक घटना चक्र की जो है वर्णनात्मक व्याख्या भी किया गया है। कहते हैं ऐतिहासिक तुलनात्मक दृष्टिकोण के कारण अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया का ज्ञान संभव हो सकता है। धर्म कर्म और विभाजन आदि की विवेचना इसी विधि के आधार पर भी की जा सकती है। कहते हैं किसी ने धर्म को बनाया है परिवर्तन का कारण, तो किसी ने क्या बोला है कि आर्थिक कारण बताया है। देखिए दोस्तों सबके अपने अपने विचारधारा है। अगर कोई धार्मिक कारण की वजह से समाज परिवर्तन हो जाता है तो ये भी बहुत अलग लगती है। कुछ आर्थिक कुछ सामाजिक कारणों की वजह से परिवर्तन होती है तो ये भी एक विचित्र लगती है, क्योंकि कहते हैं ना समाज में जो है इन चीज़ों की बदलाव होती रहती है। आप देखते ही हो कि आर्थिक रूप में जो व्यक्ति होते हैं कभी ऊपर चढ़ जाते हैं कभी नीचे आ जाते हैं, तो ये तो समय के अनुसार चलता ही रहता है। और धर्म में बात है तो धर्म में कहते हैं ना धर्म तो हमें अच्छे रास्तों पर जाना सिखाता है, लेकिन गलत रास्ते या धर्म अपना भ्रष्ट करने की बात नहीं बताती है। जो चीज गलत बताई गई है एक धर्म में वही बात दूसरे धर्म में भी उसी चीज को गलत बताई गई है। इसका मतलब है कि धर्म सिर्फ हमें अच्छी बातें ही सिखाती है, गलत बात नहीं सिखाती है। लेकिन कहते हैं सबके अपने अपने विचारधारा है और उन विचारधाराओं को खंडित करना शायद संभव भी नहीं रह जाती है। उसके बाद जो अगर आप इसका परिणाम लिखना चाहोगे या कंक्लूजन लिखना चाहोगे तो ये कहते हैं ना इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो कि समाज शास्त्र में इतिहास तुलनात्मक दृष्टिकोण की बड़ी तीव्रता से अपनाया जा रहा है और इस परिणाम के स्वरूप समाज में नई जो है मान्यताएं और कदम कीमतों का जन्म हो रही है। और समाज में कहते हैं बहुत से ऐसे रूल रेगुलेशन बन रहे हैं जिसकी वजह से जो है व्यक्तियों की विचारधारा और उनके जो है सोच बदलती जा रही है। कहते हैं ऐसे असमंजस होना जो है हमारे समाज के लिए उपयुक्त नहीं भी है और कहते हैं कुछ हद तक उपयोगी भी होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि पुराने चीज़ों को लेकर चलना आगे वाले लोगों के लिए संभव नहीं है और जो आगे लोगों को लेकिन पीछे वाले के बात को ठुकरा देना ये भी संभव नहीं है, क्योंकि पुराने और नए बातों में जो है सही तालमेल बिठा के ही जो है हम अप जीवन को जो है सक्षम और सार्थक बना सकते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा दोस्तों है वो ये है कि खोज की वर्णनात्मक खोज डिजाइन की विधि। देखिए जो वर्णनात्मक खोज डिजाइन है आखिर क्या है, कैसे हम जो है इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन कर सकते हैं। तो कहते हैं वर्णनात्मक किस्म के तथ्यों से बिना किसी जो प्रकार की खोज संभव नहीं है। किसी भी सामाजिक समस्या को हाथ में लेने हो चाहे शहरी भीड़ भड़क्का हो चाहे जुर्मों की हालत चाहे कुछ और, उसके संबंध में हमें वर्णनात्मक तथ्य जरूरी इकट्ठा करने पड़ेंगे। वर्णनात्मक खोज डिजाइन इस जरूरत को पूरा भी करती है। इसमें डॉक्टर R.N. मुखर्जी अनुसार विषय का समस्याओं के समाधान में तथ्य के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना वर्णनात्मक खोज जो है प्रचलन करना का मुख्य उद्देश्य रहा है। और इसके लिए जरूरी होती है कि विषय के संबंध में हमें तात्पुण्य सूचनाएं प्राप्त हो जाए, क्योंकि इसके बिना जो है अध्ययन विषय या समस्याओं के संबंध में हम जो भी कुछ वर्णनात्मक विधि के पेश करेंगे वो विज्ञानी न होकर दार्शनिक हो जाएगी। तो ये बातें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी सिद्ध होती है कि कहते हैं कि जब तक अध्ययन विषय की समस्या का समाधान हम करते हैं तो वो सदैव ही दार्शनिक हो जाती है। इसमें यही बात सामने आपके समक्ष आता है कि वर्णनात्मक सूचना प्राप्त करने की अलग अलग विधियां हो सकती है। वर्णनात्मक सूचना प्राप्त करने की अलग अलग विधियां निम्न अनुसार हो सकती है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि प्रश्नावली, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है प्रश्नावली। कहते हैं प्रश्नावली द्वारा कई प्रकार की सूचना इकट्ठा की जा सकती है। जब भी आप विश्लेषण करते हो या जानकारी इकट्ठा करते हो तो इसके लिए आपको प्रश्न आपके समक्ष होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास प्रश्न नहीं रहेगा आप कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विधि जो है वो है प्रश्नावली, ठीक है। और इसके बहुत ही ध्यान में बनाना चाहिए, इस मध्य प्रश्न छोटे छोटे होने चाहिए जिसका जो है आंसर देना देने वाला व्यक्ति जो है बहुत आसान तरीके से दे दे और आपका मकसद जो हो कंप्लीट हो जाए। तो यही बात जो है डिजाइन, देखिए रिसर्च मेथड को अगर डिजाइन तैयार करना है तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है प्रश्नावली।
कहते हैं जब तक आपके प्रश्न जो होंगे ऐसे नहीं होंगे जिससे आप दूसरे व्यक्ति से हर एक बात जो है आप समझ सकते हो और जानने की कोशिश कर सकते हो। कहते हैं उनमें किसी प्रकार का अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए जिससे जो है व्यक्ति खुद ही कन्फ्यूज हो जाए। जो प्रश्न जुड़ेदार और अस्पष्ट होंगे तो उनका उत्तर ठीक प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए कभी भी जो रिसर्चर होते हैं उनका प्रश्न जो होना चाहिए बहुत ही क्लियर और साफ सुथरा होना चाहिए, जिसको सुनने वाला हाँ या ना में डायरेक्ट जो है आपको आंसर दे दे और आप बहुत बड़े कंक्लूजन पे निकल जाए। यदि प्रश्न उत्तर देने वाले की दिलचस्पी इस बात में पैदा करें कि वह जरूरी उत्तर तैयार करें और उत्तर को आपस डाल के जो हवाले भी करें, तो इस पक्ष को देखते हुए किसी भी तरह जो है अपसंदित किस्म के नहीं होने चाहिए। प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त करने का एक ढंग यह भी है कि फील्ड वर्कर जिनके दिखलाई प्राप्त हो संबंधित व्यक्तियों के पास जाकर जरूरी जो सूचना इकट्ठा करना चाहिए, यानी जो व्यक्ति से इस विषय में जुड़ा हुआ है जिस व्यक्ति ने इसका रिसर्च किया उसके पास जाइए और ऐसे से प्रश्न इकट्ठा कीजिए जो कि उसको देना भी आसान हो और आपके लिए पूछना भी आसान हो। ऐसा ना हो कि ऐसे हम प्रश्न पूछें जिसमें हम खुद ही उलझ जाएं और जो प्रश्न देने उत्तर देने वाला बंदा है उनको सोचने का मौका मिल जाए और आपको आपके ही प्रश्न में आपको ही उलझा दे, तो ये जो होता है अच्छा रिसर्चर का गुण नहीं होता है। उसके बाद है इंटरव्यू। इंटरव्यू भी इसी तरह का एक प्रक्रिया है। कहते हैं इंटरव्यू एक अन्य विधि है जिस द्वारा जो है वर्णनात्मक सूचना प्राप्त किया जा सकता है। इंटरव्यू के लिए अब पहले अलग होकर जाना बहुत जरूरी है, यानी अलग होकर पहले तैयार करने की आवश्यकता होती है, जबकि खोजकर्ता ठीक प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है। इंटरव्यू जरूरत अनुसार थोड़े व्यक्तियों से भी किया जा सकता है और साधारण लोगों से भी जो गिनती में बहुत ज़्यादा होते हैं। कई जो होते हैं स्थितियों को प्रतिनिधि समूह ग्रुप चुनकर इंटरव्यू भी किया जाता है, यानी उनको अकेले में बैठा के उन सबके बातों को तथ्यों को जाना जाता है और जो कॉमन बात होती है उसको जो है रिसर्च में सम्मिलित भी किया जाता है। उसके पश्चात हमारा है निरीक्षण। देखिए बहुत सारी वर्णनात्मक सूचना जो निरीक्षण द्वारा भी इकट्ठी की जा सकती है। गुड वर होटल गुड्स एंड द हार्ट्स ने निरीक्षण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। वो लिखते हैं द साइंस बिगेन विद द ऑब्जर्वेशंस एंड मस्ट बी अल्टीमेटली रिटर्न टू बी ऑब्जर्वेशन फॉर इट्स अ फाइनल वैलिडेशंस। भाव विज्ञान प्रश्न से शुरू होती है और इसकी अपनी अंतिम जायजगी के लिए फिर विज्ञान की तरफ मुड़ना पड़ेगा। यानी कहते हैं कि जितना मर्जी आप कहीं भी चले जाओ कितना भी घूम लो लेकिन एक न एक दिन आपको विज्ञान की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा, यानी फाइनल वैलिडेशन होना ही पड़ेगा। निरीक्षण विधि को डॉक्टर एस आर वाजपेयी ने सबसे पुरानी विधि कहा है जो मनुष्य द्वारा वैज्ञानिक जांच के लिए उपयोग की जा रही है। मनुष्य की दृष्टि का ज्ञान निरीक्षण द्वारा ही प्राप्त होती है। जिसे भी समाजिक समस्या पर जो है खोजकार कार्य करता है उसको उस विषय प्रति अन्य साधनों के अलावा निरीक्षण से भी काम लेना भी पड़ेगा, तो ये बातें उन्होंने साफ शब्दों में कहा था। उसके पश्चात हमारा है निरीक्षण की किस्में। देखिए दोस्तों निरीक्षण की कई किस्में हैं। निरीक्षण की सभी किस्मों से ज़्यादा जो विश्वास योग्य भागीदारी निरीक्षण यानी पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन है। इसमें जो है निरीक्षीकरण कारक स्वयं समूह का एक सदस्य बनकर शामिल होता है और जरूरी सूचना इकट्ठा भी करता है। इस प्रकार के निरीक्षण प्रति डॉक्टर एस आर वाजपेयी ने साफ शब्दों में कहा है द ग्रुप कैन बी ऑब्जर्व इन इट्स नेचुरल बिहेवियर दे आर नॉट अ कंक्यूज ऑफ देयर अ फैक्ट दैट दे आर विज्ञानिक ऑब्जर्व एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज अ बिहेवियर इट नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कंडीशंस फीलिंग। यानी साफ शब्दों में बात कहा जा सकता है कि भाव समूह को उसके कुदरती व्यवहार समय देखा जा सकता है। मेंबर इस बात के प्रति जो है सुचेत नहीं होते हैं कि उनके कोई देख रहा है और परिणाम स्वरूप उनका व्यवहार उस सुचेत असहज से प्रभावित नहीं होती है। अन्य भी कई ढंग जैसे कि सरकारी प्राइवेट रिकॉर्ड या अनुसूचित आदि का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। कहते हैं निदात्मक और वर्णनात्मक खोज डिजाइन के मध्य अंतर। अब देखिए निदात्मक और वर्णनात्मक में जो है क्या अंतर है, इसमें सबके अपने अपने विचारधारा है। कहते हैं दोनों मध्य क्षेत्र का अंतर है। निदात्मक खोज डिजाइन जो है समस्या का विवरण देने के साथ साथ हल का सुझाव भी देता है, पर वर्णनात्मक खोज डिजाइन में सिर्फ मौजूदा समस्या का ही वर्णन करता है। यानी आप कह सकते हो जो वर्णात्मक होती है वो सिर्फ प्रेजेंट को ही रिप्रेजेंट करती है और निदात्मक जो होती है पुराने के साथ साथ नए का भी सुझाव देती है।
उसके पश्चात जो है दूसरा अंतर यह आता है कि डायग्नोस्टिक्स इज डिजाइन्स आर एंट्रीज मोटिवेट बाय देयर हाइपोटेंसिस इट इज डिस्क्रिप्टिव्स ऑफ डिजाइन टू हाइपोटेंसिस इज फॉर्मुलेटेड ऑन देयर बेस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्साइटिंग टू द डाटा एंड आर मटेरियल्स कहते हैं इसका भाव यही होती है कि भावनात्मक डिजाइन पूर्ण तौर पर परिकल्पना के आधार पर चलते हैं यानी इसमें कल्पना होती है निरात्मक में क्या होती है दोस्तों कल्पना यानी परिकल्पना होती है वर्णनात्मक डिजाइन में परिकल्पना का निर्माण मौजूदा डाटा या सामग्री के आधार पर किया जाता है यानी जो आपके पास रिसर्च में जो क्लू मिला है उसी के बेस को हम आधार बना के हम परिकल्पना करते हैं कि ऐसा हुआ होगा आपने देखा होगा कोई आत्महत्या की जो प्रोसीजर अपनाते हैं तो उसमें जो है लोग क्या करते हैं उसी तरह के जो है डेमो बनाते हैं उसी तरह से जो है स्ट्रक्चर लेके आते हैं स्टैच्यू लेके आते हैं और उसी तरह से जो है हम करने की कोशिश करके देखते हैं डेमो देखते हैं कि कैसा हालात रहा होगा कैसे चीज़ें रहा होगा तो ये सब चीज़ें जो होती है रिसर्च में महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करती हैं कहते हैं वर्णनात्मक खोज जो है डिजाइन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति होती है पर निदात्मक खोज डिजाइन के मौजूदा समस्याओं के हर पक्ष में समझौता और हल का भी सुझाव देता है तो कह सकते हैं कि अपने अपने महत्व भी होती है दोनों में काम करने का ढंग अलग अलग होता है यानी दोनों के काम करने का जो ढंग है रंग रूप है वो अलग होती है जिन क्षेत्रों में डाटा नहीं मिलता है वहाँ वर्णनात्मक खोज डिजाइन ठीक रहता है यहाँ पहले डाटा काफ़ी है और हल तलाश करना वहाँ जो है निदात्मक विधि ठीक रहती है कहते वर्णनात्मक डिजाइन के निर्माण के पड़ाव अब हमने इसमें जानना है कि वर्णनात्मक डिजाइन के निर्माण के कौन कौन से जो है पड़ाव महत्वपूर्ण है वर्णनात्मक जो है कहते हैं खोज डिजाइन के संबंध में डॉक्टर आर ए मुखर्जी ने कई पड़ाव दिए भी हैं इसका पहला पड़ाव तो यही होता है कि पहला पड़ाव अध्ययन का उद्देश्य निश्चित करना होता है जब तक निश्चित नहीं होते हैं तब तक काम ठीक प्रकार से नहीं चल सकता है दूसरी बात उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि डाटा इकट्ठा करना इस खोज डिजाइन का मुख्य उद्देश्य होता है इसलिए दूसरा पड़ाव डाटा इकट्ठा करने से संबंधित तकनीकों की तलाश होती है तीसरी बात उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि पड़ाव पर प्रतिनिधि सैंपल का चयन किया जाता है यानी यहाँ पर सैंपल होना बहुत जरूरी है ठीक है सैंपल से जो है हम आगे रिसर्च कर सकते हैं ऐसे सैंपल्स होना जरूरी है जिसे इकट्ठा किया जाए और डाटा लाभदायक भी सिद्ध हो कहते हैं डाटा इकट्ठा करना और उनके पड़ताल करना अलग पड़ाव में ही आता है परिणामों का विश्लेषण प्राप्त सामग्री का इस पड़ाव पर किया जा सकता है इन पड़ाव पर जो है सावधानी प्रयोग करने से ही सही परिणाम प्राप्त भी हो सकते हैं कहते हैं अगला पड़ाव प्रस्तुत करने या प्रस्तुतिकरण का इस जो है पड़ाव संबंधी भी समाधान रहना जरूरी भी है क्योंकि इस पड़ाव पर मूल्य तथ्य और परिणाम दोनों भी पेश किए जाते हैं भाषा सरल होनी चाहिए जो तुरंत समझा जा सके यह अलंकार कारक नहीं होनी चाहिए क्योंकि साधारण व्यक्ति को कई बार इस वास्तव प्राप्त इस प्रकार की भाषा में समझ नहीं आती है तो कहते हैं कभी भी जो आपका परिणाम है कभी भी जो आपने उद्देश्य किया है सैंपल इकट्ठा किया है तो वो जो लिखे हो आप तो उसकी भाषा जो होना चाहिए साधारण होना चाहिए जिसको जो है कोई भी जनमानस आसान शब्दों में उसको जो है अनुसरण कर सके और समझ सके तो ये जो बातें होती बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रखती हैं उसके बाद कहते हैं वर्णनात्मक खोज डिजाइन का खोज के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और इसका कारण यह है कि जब तक तथ्य ही इकट्ठे नहीं होते हैं खोज का कोई काम नहीं हो सकता यानी जब तक तथ्य आप इकट्ठा नहीं करोगे ना तब तक कोई भी खोज होना संभव नहीं है इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है ठीक है अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो पहली बार मेरे चैनल पे आए हो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा अगर आप दोबारा से तृपान से संदर्भ आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तृपान लिखिएगा तो जो है वो तृपस कर देगा ठीक है जो आप गूगल पर सर्च तो तृपस कर देगा जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे तो सोचिए मत विचार मत कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है तृपान श्री सेंटर से ठीक है तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है तृपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है क्योंकि ये जो है आपके 8th class 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है साथ में
बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान सिविल सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।